सन 1920 में थॉमस अल्वा एडिसन ने अमेरिकन मैगजीन के एक आर्टिकल के द्वारा लोगों को बताया कि वो कुछ दिनों से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए हम किसी भी मरे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और उन्होंने इसका नाम बताया स्प्रिट फोन। दरअसल ये कल्पना काफी ज्यादा ना समझी लगती है आज के समय में, परंतु थॉमस अल्वा एडिसन कोई आम शख्स नहीं थे। दरअसल थॉमस अल्वा एडिसन पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े इन्वेंटर में से एक हैं। दरअसल पूरी दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर सबसे ज्यादा पेटेंट रखने वाले वो अकेले व्यक्ति थे। उनके नाम पर 1093 पेटेंट जो कि अमेरिका में थे, और 1239 से भी ज्यादा पेटेंट्स ग्लोबली थे। सोचिए इस महान व्यक्ति ने कितने ज्यादा आविष्कार कर रखे होंगे, जिनमें से काफी चीजों को तो आप भली बात ही जानते हैं, जैसे बल्ब, बैटरीज, इलेक्ट्रिक लाइट, फोनोग्राफ्स, साउंड रिकॉर्डिंग, सीमेंट, माइनिंग, मोशन पिक्चर्स, टेलोग्राफीज, टेलीफोन्स। ऐसे कई और आविष्कार थे जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। दरअसल थॉमस अल्वा एडिसन चाहते थे कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाए जो कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति के आत्मा से बात कर सके। दरअसल वो कोई जादू या मिस्टीरियस फोर्स के जरिए ऐसा डिवाइस बनाने की बात नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जो कि साइंटिफिकली काम करे, और उस डिवाइस के जरिए हम आत्मा से बात कर सके, और वो इसे स्प्रिट फोन कहते थे। दरअसल उनका मानना था कि जब लोग मर जाते हैं तो वे ब्रह्मांड के माध्यम से जीवन इकाइयों यानी कि लाइफ यूनिट्स को तितर बितर कर सकते हैं, जिनका पता हम एक सही डिवाइस के जरिए कर सकते हैं। यह आज के लोगों के हिसाब से पागलपन हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास है, कोई कैसे मरे हुए आत्मा से बात कर सकता है। सोचिए कि जब टेलीफोन, फोनोग्राफ और लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, जब हमारे लिए इसकी कल्पना करना भी नासमझी थी, क्या कभी किसी ने सोचा था कि आप एक क्लिक पर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से? क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक फोन कॉल से आप पूरी दुनिया में एक ही जगह से बैठे बैठे बात कर सकते हैं? दरअसल थॉमस अल्वा एडिसन की घोषणा ने उस समय मीडिया में उत्साह पैदा कर दिया था, लेकिन दशकों में उनका अनुसरण करने के लिए इतिहासकारों ने सोचना शुरू किया कि यह सिर्फ एक बड़ा धोखा था। दरअसल जब इतिहासकारों ने स्प्रिट फोन का प्रोटोटाइप को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें काफी कम चीजें मिली, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि यह महज एक धोखा था। लेकिन 2015 में फ्रांसीसी पत्रकार फिलिपी बॉर्डन एक थ्रिफ्ट स्टोर में खरीदारी कर रहे थे, जब उन्हें एडिसन की डायरी का एक दुर्लभ संस्करण मिला जिसमें एक अतिरिक्त अध्याय था। यह अध्याय पूरी तरह से अपने सिद्धांतों के लिए समर्पित था कि कैसे आत्मा की दुनिया से हम संपर्क कर सकते हैं। बूडोन ने इसे अपनी एक किताब में फिर से प्रकाशित किया, परंतु एक सवाल फिर भी अभी बाकी है कि क्या हम ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे हम अपने पूर्वजों से बात कर सकें? यही तो विज्ञान है, जिसमें पॉसिबिलिटीज काफी सारी है। महज जरूरत है तो केवल इसे समझने की, इसके आनंद को लेने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए रोमांचक सफर के साथ।